नमस्कार, स्वागत है आपका उमर न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि भारत अपने जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के प्रतिबंध, जिसका अंतिम समय 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया था, यानी कि 31 अक्टूबर के बाद जो प्रतिबंध है वो लग रहा था ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर एक परिपत्र जारी करते हुए भारत सरकार ने बताया है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइटों के ऊपर बैन है इसको एक महीना और बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 30 नवंबर तक भारत में सभी नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कई देशों के साथ जो एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके अंतर्गत 25 देशों के साथ भारत की फ्लाइटें आती और जाती रहेंगी, जिसमें ओमान, यूएस, यूके, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित तमाम देश शामिल हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया है कि देखिए, यदि कहीं डिमांड ज्यादा है किसी देश के साथ, हमें फ्लाइटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो वहां पे महामारी के परिदृश्य को ध्यान रखते हुए हम नए रूट पे जो फ्लाइटों का संचालन की अनुमति दे सकते हैं और उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ओमान में टूरिज्म इस समय काफी ज्यादा बूस्ट होता दिख रहा है। देखिए, सलाला में जो विदेशी पर्यटक हैं, जो यूरोपीय देशों से चार्टर्ड फ्लाइटों के माध्यम से सर्दियां बिताने ओमान में आते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 250 से अधिक चार्टर्ड फ्लाइटें सुहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी हैं और कल यहां पर पोलैंड से एक सीधी फ्लाइट आई। पहली बार इस रूट पर डायरेक्ट फ्लाइट का संचालन किया गया है। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बताया है कि इस समय ओमान में बहुत ज्यादा यूरोपीय देशों के लोग चार्टर्ड फ्लाइटों के माध्यम से यहां सर्दियों के मौसम में छुट्टियां एंजॉय करने आ रहे हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड जैसे देश शामिल हैं। डुकुम रिफाइनरी के बारे में एक अपडेट आ रही है कि यहां का जो रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन है, लगभग 87% काम कंप्लीट कर लिया गया है। 87% आपको सुन के लग रहा होगा कि बहुत जल्दी यहां पे काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रिफाइनरी में यदि अभी भी 13% काम है, तो इसके कंप्लीट होने का जो अनुमानतम सीमा बताया गया है कि 2023 के मार्च अप्रैल के बाद ही ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो खत्म किया जा सकता है। ओमान न्यूज एजेंसी ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि देखिए, 477,451 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के फाउंडेशन पर और लगभग 70,788 टन स्टील के बेस का इस्तेमाल किया गया इस पूरे रिफाइनरी को बनाने के लिए, और इसमें लगभग 17,000 से 18,000 जो वर्कर हैं अभी भी काम कर रहे हैं। ओमान के जो व्यवसायी हैं, खजूर का इस्तेमाल तो वो खाने के लिए और इसको बाहर के देशों में बेच ही रहे हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से पुराने जमाने में जिस तरह से साबुन बनाया जाता था, सोप बनाया जाता था, इसकी शुरुआत फिर से कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पे 16 प्रकार के जो शहद और खजूर के मिश्रण वाली जो सोप है, इसका निर्माण किया जा चुका है। और T20 वर्ल्ड कप के बारे में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने एक भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि जिस तरह से इस समय जो टीमें परफॉर्म कर रही हैं, बेन स्टोक्स के मुताबिक फाइनल में इंग्लैंड और पाकिस्तान होंगे। उन्होंने ये वैसी भविष्यवाणी की है कि जिस तरह से ये दोनों टीमें अंधाधुंध पारियां खेल रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड कप के फाइनल में इन्हीं दो टीमों को बेन स्टोक्स देखते हैं। जो भी प्रवासी अभी वैक्सीन ओमान में नहीं लगवा पाए हैं, वे जल्द से जल्द जाकर के वैक्सीन लगवा लीजिए। आज से जो सुहार में फिटनेस सेंटर में सभी प्रवासियों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी जा रही है और सवेरे 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक टाइमिंग शेड्यूल किया गया है। इसके मध्य में आप जाइए और अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए। अपने पास सिविल आईडी का एक जीरोक्स और साथ में उस पर अपना मोबाइल नंबर लिख के अवश्य ले जाएं। साथ में यदि आपने तारसूद प्लस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो शायद आपको वैक्सीन लगवाने में दिक्कत होगी, तो अच्छा ये रहेगा कि अपना रजिस्ट्रेशन पहले आप तारसूद प्लस एप्लीकेशन में करवा लीजिए, उसके बाद इस सेंटर पर जाकर अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। रॉयल मान पुलिस ने मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आपातकालीन मॉक ड्रिल आयोजित किया, जिसमें फ्लाइटों में किसी प्रकार की गड़बड़ी है या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है या फिर वहां पे कहीं आग लग जाता है या फिर और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, तो कितने जल्द से जल्द लोगों को फ्लाइट से बाहर निकाला जा सकता है, इसके बारे में एक अभ्यास आयोजित किया गया। और इसमें जितना जल्द से जल्द हो सकता है सभी प्रोटोकॉल को चालू करके वहां पे देखा गया कि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर कितना जल्दी लोगों तक मदद पहुंचती है, लोगों को कितना जल्दी एयरपोर्ट से फ्लाइटों से इवैक्यूएट किया जा सकता है और वहां पे और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं उसको हम ठीक कर सकते हैं।
सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी केंद्र ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि आज सवेरे 7:47 पर 2.4 तीव्रता का भूकंप सलाला से 196 किलोमीटर दूरी पर दर्ज किया गया है। हालांकि किसी के भी जान माल को कोई खतरा नहीं हुआ है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि भारत में 14,313 नए कोविड मामले सामने आए हैं, 549 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में इस समय जो एक्टिव जो केस है उनकी संख्या 161,555 है और वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या लगभग 104 करोड़ से ज्यादा इस समय दर्ज की जा रही है भारत में। देखिए, भारत ने अपने नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर जो प्रतिबंध है उसको 1 महीना बढ़ा दिया है और इसका सीधा सीधा असर उन लोगों के पड़ेगा कि जो लोग वेट कर रहे थे कि नवंबर के महीने से भारत और ओमान के रूट पे और प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी तो किराए में कमी देखी जाएगी। लेकिन अभी 1 महीना और आपको महंगे किरायों पर यात्रा करनी पड़ सकती है। हो सकता है नवंबर के बाद जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों के ऊपर जो प्रतिबंध है वो भारत सरकार हटा ले। देखते हैं आगे क्या होगा, जैसा होगा आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।